नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। इस वीडियो में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको सिद्ध करना बताऊंगा। तो परीक्षा में आपको ऐसे दिया रहेगा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या दिखाइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो करेंगे क्या आप, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी। अब आप एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, इसी में लिखेंगे जिसके जिसके अंतः जिसके अंतः कोण, अंतः कोण क्रमशः, ये हेडिंग है, क्रमशः एक, कोण दो और कोण तीन है। ये अंतः कोण या केवल कोण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये है तो आप यहाँ एक लिख देंगे, यहाँ दो लिख देंगे और यहाँ तीन लिख देंगे, ये हुआ। अब लिखना होगा आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें लिखेंगे कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन बराबर, ये लिखना होगा कि तीनों कोणों, तीनों अंतः कोण या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब करेंगे क्या, रचना, अगली हेडिंग डालेंगे रचना। तो रचना में क्या करेंगे, BC के समांतर ए से होती हुई, ए से जाती हुई एक समांतर रेखा खींचेंगे, ये समांतर रेखा खींचेंगे, ये पी क्यू मान लीजिए, ये आपका क्यू है, तो एक ये आपका रेखाखंड पी ए क्यू मिला। तो यहाँ लिखेंगे बी सी के समांतर ए से जाती हुई रेखा खंड पी ए क्यू खींचा, ये आप रचना में लिख देंगे, क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे। उपपत्ति, अगली हेडिंग रहेगी उपपत्ति, यानी प्रूफ करना है ये। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या, इसको चार मान लेंगे और इसको पाँच, एक ऑलरेडी दो और तीन यहाँ ऑलरेडी पहले से ही। अब हम देख रहे हैं ये जो रेखाखंड है पी ए क्यू, एक रेखाखंड है, इस कारण कोण चार, कोण एक और कोण पाँच, तीनों का योग क्या होगा, क्योंकि रेखी बना ही रहे हैं तो तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चूंकि पी ए क्यू एक रेखाखंड है, एक रेखा खंड है, इसलिए कोण चार धन कोण एक धन कोण पाँच बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण होगा। ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि रेखीय युग्म अपगृहित भी लिख सकते हैं, नहीं इससे ये लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, देख रहे हैं कि BC जो है PAQ के समांतर है और ये क्या होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो हम यहाँ लिखेंगे BC समांतर है PQ भी लिख सकते हैं आप, PAQ के, इसलिए
कोण दो, सॉरी कोण चार बराबर कोण दो, और ये समीकरण आपका दो हो गया। एकांतर कोण लिख देंगे यहाँ, एकांतर कोण। और ये भी देखिए, और ये तिर्यक रेखा है, यहाँ देखिए BC समांतर है PA की, वही बात है, और AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो कोण तीन और कोण पाँच बराबर होंगे। और कोण पाँच बराबर कोण तीन, ये भी लिख देंगे तीसरा समीकरण, ये भी यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। अब समीकरण दो से चार की वैल्यू यहाँ रखेंगे और समीकरण तीन से पाँच की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक दो और तीन से, तो कोण दो यहाँ लिख देंगे, कोण एक ऑलरेडी पहले से ही है, और कोण पाँच की जगह क्या लिख देंगे तीन बराबर 180 डिग्री, बराबर क्या लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा क्रम से लिख देंगे, कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन बराबर 180 डिग्री। ये सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, प्रूफ लिख देंगे, और ये आपका कंप्लीट हुआ। नमस्कार।